हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं जा रही हूँ पापा के साथ मार्केट। और जन्माष्टमी आने वाली है तो लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक लेने, और भी जो उस दिन जन्माष्टमी के दिन डेकोरेशन करते हैं उसका कुछ कुछ सामान लेने, और मम्मी का भी कुछ सामान है। मम्मी ने बोला तुम भी साथ में चली जाओ तो ड्रेसेस पसंद कर लेना लड्डू गोपाल की। तो बस अभी जा रही हूँ मैं पापा के साथ मार्केट, और वहाँ से ये लड्डू गोपाल की ड्रेसेस लेंगे और जो जो सामान है वो सारा लेंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी शॉपिंग जन्माष्टमी की। ये लड्डू गोपाल की देखिए एक, ये है एक सुंदर सी ड्रेस येलो कलर की, और मम्मी यहाँ पर जो जो है ना सारे भगवान जी के मैचिंग के लेती हैं। तो येलो कलर ये देवी जी हैं तो ये देवी माँ के लिए लिया है, और लक्ष्मी गणेश हैं छोटे छोटे तो उनके लिए भी लिया है येलो कलर का। तो एक सेट तो ये हो गया पूरा, और सेकंड सेट है ये है, इसमें रेड कलर आ रहा है बट ऑरेंज कलर है। एक ड्रेस ये ली है और सेम सेट देवी माँ के लिए पूरा, और लक्ष्मी गणेश जी का देखिए ये पूरा सेट लिया है। और ये जो रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है ये लिया है पाटे या चौकी पर बिछाने के लिए, उस दिन पूजा होगी ना तो उस पर बिछाने के लिए। आपको बोला था कि मुझे डेकोरेशन का भी कुछ सामान लेना है तो बट वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी त्योहार के चलते, क्योंकि एक यहाँ का त्योहार है कल होता है, सुना होगा कुछ लोगों ने, हर छठ पूजा, तो वो सारी लेडी करती हैं। ये व्रत होता है लड़के के लिए रखते हैं ये वाला व्रत, और इस वाले व्रत में होता है मेन कि हल से जुता हुआ मतलब जो खेतों में होता है जिसकी खेती होती है वो नहीं खाया जाता है। जैसे इसमें फल खा सकते हैं एप्पल और बनाना और ड्राई, और चीनी भी नहीं खाते हैं क्योंकि गन्ने भी खेत में होते, खेती होती है। तो चाय पी जाती है तो चाय में जो छुहारा होता है उसको डाल के चाय बनाते हैं तो वो उसकी चाय पी जाती है। और मखाने की खीर भी बना लो, मखाना फ्राई कर लो, जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़े का आटा आता है उसके आटा की आप पूड़ी या पकौड़ी कुछ भी बना के खा सकते हो। मतलब इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं जो जिसकी खेती ना होती हो, क्योंकि सिंघाड़ा भी तालाब में होता है और मखाना भी तालाब में होता है पानी में, तो वो खा सकते हैं और जिसकी खेती होती है वो नहीं खा सकते हैं। तो कल एक वो व्रत है, और फिर मंडे को जन्माष्टमी है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए बाज़ार में बहुत ही भीड़ थी। और यहाँ आसपास के लोग, गांव से भी आके लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो इसलिए और ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाई बस। और हाँ, मैंने बोला था कि मैं पूजा उस दिन जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशन का कुछ सामान लाऊंगी, तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो और भीड़ भी थी, जल्दी जल्दी थी, गर्मी इतनी धूप हो रही थी तो कुछ नहीं लिया। तो पापा बोले चलो चलते हैं घर के पास, यहीं पर एक शॉप है उससे तुम ले लेना सामान। तो मैं कल या परसों में लेके आई। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो अचानक से हो गई, मुझे वैक्सीन लगवानी थी सेकेंड डोज। मैंने बोला था पापा को कि इधर आसपास कहीं कैंप लगे तो बताना, मैं लगवा लूँगी किसी दिन। तो यहाँ अंदर चाचा हैं मेरे, तो चाचा लगवाने गए होंगे, यहाँ पास में ये कैंप लगा था, वो अचानक से ऐसे गए। पापा ने एक्चुअली उनको बोल रखा था कि अगर वैक्सीन लग रही हो तो बताना, मुझे मतलब रिनी को लगवानी है। तो बस चाचा का फ़ोन आया, बोले कि तुमको बेटा लगवानी है वैक्सीन। मैंने कहा हाँ, कहाँ लग रही है, बोले यहीं पास में लग रही, मैं भी लगवा कर आया हूँ, चलो तुम। तो मैं बस गई सडनली, और 5 मिनट भी नहीं लगा क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो चली गई थी पैदल पैदल और लगवा के भी आ गई अचानक से, और मुझे मेरी सेकेंड डोज भी कम्प्लीट हो गई और मुझे एक कार्ड मिल गया है। तो बस अभी चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ आगे का प्लान क्या है।
अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 6:30 और मैं जा रही हूँ अभी छत पे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है तो मैं आज आपको अपने घर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मेरे घर के बाहर कितने फूड कॉर्नर्स हैं, चाइनीज, साउथ इंडियन और काफ़ी सारे हैं। चलिए चलती हूँ छत पे और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर और ये देखिए मेरे घर के बाहर है मोमो कॉर्नर और आप ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर ये जितनी ये कार हो ये खड़ी है ना, ये सारे लोग यहीं पर आए हुए हैं। और ये सामने पीटर इंग्लैंड का शोरूम है और SBI का ATM, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए गोपाला रेस्टोरेंट है एक बिल्कुल पास में, यहाँ नॉर्थ और साउथ इंडियन दोनों टाइप का खाना मिलता है। और वो सामने सैफ्रन चाइनीज़ है और ये देखिए ये है गुजराती फूड कॉर्नर। यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैरायटी मिलती हैं, बड़ा पाव, पाव भाजी, पाव दावेली। और भी मैंने अभी सिर्फ इनके यहाँ की पाव भाजी ट्राई की थी तो मुझे अच्छी लगी। और ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, जितने ये बाइक और वो सारे खड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ के, बाहर बैठ के, कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोग अपने गाड़ियों में बैठ के खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे घर के बाहर शाम के टाइम को बड़ा ही अच्छा माहौल हो जाता है। और ये नीचे एक साउथ इंडियन शॉप भी है, ये लोग मन मन के लिए अपने घर गए हुए हैं मद्रास, ये लोग वहीं के रहने वाले हैं। तो जब ये आएँगे तो मैं इनके यहाँ का भी वीडियो बनाऊँगी। और ये देखिए मोमो फूड कॉर्नर पे सारे लोग बैठे हुए हैं, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन मैं प्रॉपर अच्छे से बनाऊंगी मोमो वाले का। इनके यहाँ काफ़ी टाइप के मोमोज मिलते हैं, मैंने अभी एक ही दो ट्राई किए हैं। मैं आपको अभी एक दिन प्रॉपर अच्छा बनाऊंगी मोमो के। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और आप सोच रहे होंगे मैं अचानक से इतना तैयार कैसे हो गई। एक्चुअली मेरे घर के ऊपर रेंट से रहते हैं एक फैमिली, तो उनके बच्चे का आज बर्थडे है तो वो अभी बुलाने आए कि तुम दोनों आ जाओ, मतलब मुझे और सोनू को बुलाने। सोनू नहीं जाएगा, उसको फीवर है, मैं ही जा रही हूँ। मैंने पापा को बोला है कि तब तक कुछ गिफ्ट ले आओ देने के लिए, तो पापा गए हैं गिफ्ट लेने। तो बस मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगी ऊपर। और बस आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ढेर सारे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिए। और जो चैनल पर नए व्यूवर्स हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें।